The back and forth has got me so messed up. Don't ignore. वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, मामा अर्थ का एंटी पॉल्यूशन फेस क्रीम, ये है मॉइस्चराइजर। काफी लोगों ने इसको यूज किया होगा, बहुत सारे लोगों के जो कहेंगे कि इसको तुमने यूज किया हुआ है, आप लोगों को कैसा लग रहा है मुझे जरूर बताना कि आपने अगर यूज करा है तो आपके एक्सपीरियंस कैसे हैं। बट मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी और बताऊंगी इसको लेना चाहिए कि नहीं, ठीक है। तो ये मुझे बहुत अच्छी लग रही है, देख लीजिए ऐसे कार्डबोर्ड पैकेजिंग के अंदर आती है ये सारी, इसकी जो एक्सप्लेन किया है, सब डिस्क्रिप्शन है सब लिखी हुई है यहाँ पर। और इसका जो प्राइस है वो है 349 रुपीज का, यानी कि 350 रुपीज, और इसका शेल्फ लाइफ है 2 ईयर्स की। साथ में ही इसकी अगर मैं बात करूँ एक वेट कितना है, तो 80 ग्राम का वेट है, ठीक है। प्राइस के अकॉर्डिंग और जो जितना मुझे अच्छा लग रहा है उस अकॉर्डिंग काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस है, कोई भी कॉस्टली नहीं है, एक्सपेंसिव नहीं है, ठीक है। तो आप आराम से ले सकते हो। अब बात कर लेते हैं इसके हीरो इंग्रेडिएंट्स की। हीरो इंग्रेडिएंट्स इसके हैं टर्मरिक, डेजी फ्लावर एक्सट्रैक्ट, साथ में ही कैरेट रूट एक्सट्रैक्ट और है पॉलीस्टॉक। तो ये 4 इसके मेन इंग्रेडिएंट हैं जिन्हें मैंने पढ़ के इसको बाय किया था, लेकिन ये मैंने बाद में डिसाइड किया था कि मैं इसको विंटर सीजन में यूज़ करूँगी, ठीक है। मेन इनको ही देखकर मैंने इसको बाय किया था, बिकॉज ये एंटी पॉल्यूशन है, ठीक है, इसको देखकर। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देती हूँ कि इन 4 के वर्क क्या क्या हैं, ठीक है। इनके बेनिफिट्स हमें पता होने बहुत ज़रूरी है। हम जो भी चीज़ें लेते हैं, जो भी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, देखें तो सही उसमें हमारी स्किन के लिए क्या क्या चीज़ें अच्छी होने वाली हैं, क्या क्या हमें बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, तो चलिए वो देखें। पहले मैं आप लोगों से बात करूंगी टर्मरिक के बारे में। टर्मरिक एक एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती है उसके अंदर, स्किन को ग्लोइंग बनाती है। हम लोगों को हमेशा से पता है कि हमेशा से ही टर्मरिक स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए, स्किन को ब्राइट करने के लिए काम में लाई जाती है, तो इसके अंदर वो है। साथ में आपका जो स्किन का कॉम्प्लेक्शन है वो भी इंप्रूव होगा और स्किन की क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। तो ये है टर्मरिक के लिए। मैं बात करूंगी डेजी फ्लावर एक्सट्रैक्ट की। तो आपकी स्किन के ऊपर अगर हाइपर पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है तो वो काफी ज्यादा रिड्यूस होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है, आपकी स्किन जो है बहुत अच्छी होने वाली है। और ये जो डेजी फ्लावर एक्सट्रैक्ट होता है, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं इसमें, तो ये भी हमारी स्किन को ब्राइटन बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूंगी आप लोगों से कैरेट रूट एक्सट्रैक्ट के बारे में। कैरेट रूट एक्सट्रैक्ट जो है आपकी स्किन के अंदर इलास्टिसिटी जो भी है, यानी कि आपकी स्किन जो रिंकल्स आने लग गए हैं या जो आपकी लूज पड़ने लग गई है, स्किन सैगिंग होने लग गई है, उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। यानी कि इलास्टिसिटी इम्प्रूव होगी और साथ में ही आप लोगों की जो स्किन है वो मॉइस्चराइज करता है बहुत अच्छी वाली। तो हमें अभी फिलहाल इस सीजन में स्किन को मॉइस्चराइज ही करना है, और हम लोग चाहते हैं ना कि हमारी स्किन काफ़ी अच्छी मॉइस्चराइज है, यानी कि आपकी स्किन जो है उसके अंदर मॉइस्चर को लॉक कर देगा, ठीक है। लास्ट मैं आप लोगों से बात करूंगी पॉलीस्टॉक। ये एक चीज़ ऐसी थी, काफ़ी लोगों ने नहीं सुनी होगी कि ये क्या चीज़ है, इसके बारे में बताती हूँ कि इसके बेनिफिट्स। इस प्रोडक्ट का जो मेन लास्ट इंग्रेडिएंट है वो है पॉलीस्टॉक, ठीक है। पॉलीस्टॉक और पॉल्यूशन दोनों ही एक जैसे ही नाम है, और हम लोग को पता है कि पॉल्यूशन एंटी पॉल्यूशन मॉइस्चराइजर है तो पॉल्यूशन से तो बचाएगा ही। तो यानी कि डर्ट और पॉल्यूशन ये दोनों ही चीज़ों से ही हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है। साथ में ही जो सन की UVA और UVB रेज होती हैं उनसे हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा जो नुकसान हो जाता है उससे भी प्रोटेक्ट करता है। यानी कि एक तरीके से ये शील्ड की तरह काम करता है, इसीलिए ये एंटी पॉल्यूशन मॉइस्चराइजर भी है, ठीक है, जो बहुत अच्छी बात है। हमारी स्किन को ज़रूरत है ना कि वो पॉल्यूशन से भी बच के रहे, ठीक है। तो अगर ये सब तो मैंने आपको बता दिया, अब मैं बात कर लेती हूँ कि ये जो है कौन सी स्किन वाले यूज़ कर सकते हैं। ये ऑल स्किन टाइप मॉइस्चराइजर है, बट मैं अपना बता देती हूँ, मेरा जो है ऑयली एक्ने प्रॉन प्लस सेंसिटिव स्किन है, तो मैं इसको बहुत दिनों से यूज़ कर रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा दिन हो गए हैं, याद भी नहीं है मुझे कितने दिन हो चुके हैं, ठीक है। मुझे ये बहुत अच्छी लग रही है, मैं इसे अपने नाइट सीटीएम में भी यूज़ कर सकती हूँ, करती हूँ, डे में भी यूज़ करती हूँ। और देखिए डे में जब इसको यूज़ करती हूँ, मेरे काफ़ी सारे लोगों के मन में हो सकता है डाउट हो कि जब ये एंटी पॉल्यूशन है तो क्या हम लोगों को इसको इसके ऊपर सनस्क्रीन लगाना भी ज़रूरी है। यह सनस्क्रीन लगाई या बहुत इंपॉर्टेंट है सनस्क्रीन लगाना, बिकॉज सनस्क्रीन एक तरीके से बहुत अच्छा लेयर कर देती है हमारी स्किन के ऊपर एक प्रोटेक्शन का। जो अगर ये चीज़ें अगर आपको एक तरीके से डाउट है ना कि ये काम करेगा पता नहीं नहीं करेगा, तो वो तो काम करता ही करता है, ठीक है। सो सनस्क्रीन मैं अभी फिलहाल यूज़ कर रही हूँ हाइड्रोजेल ममार्थ का, मैंने आप लोगों के साथ वो वीडियो शेयर किया था, मैं आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वो देखना, बहुत अच्छा है वो वाला मॉइस्चराइजर। वो मतलब मॉइस्चराइजर के जैसा तो काम करता है, बट सनस्क्रीन है बहुत अच्छी वाली, ठीक है। और साथ में ही वैसे ये ऑल स्किन टाइप है, ठीक है, तो सभी यूज़ कर सकते हैं। हाँ, नॉर्मल स्किन पर भी इसको यूज़ करते देखा है, तो बहुत अच्छी लगी है ये नॉर्मल स्किन पर भी। स्किन को ड्राई नहीं होने देती, सबसे बड़ी बात तो है, काफ़ी लोगों को लगेगा यार ड्राई ना हो बस ऐसा कुछ बता दो, तो ये ड्राई भी नहीं होने देती है। स्पेशली इसीलिए मैंने इसे इस जो सीज़न में जो अब जो बहुत ज़्यादा ठंड आ गई ना, इसमें इसको यूज़ किया है और चेक किया है क्या ये ड्राई करती है, नहीं करती ड्राई, बहुत अच्छी है, ठीक है। और मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ये पैराबेन एंड सिलिकॉन फ्री है, नो आर्टिफिशियल कलर्स, लाइट एंड नॉन ग्रीसी फॉर्मूला है, नॉन कॉमेडोजेनिक है और ऑयल फ्री फॉर्मूला है। साथ में ही स्टिकीनेस नहीं है, ग्रीजीनेस नहीं है। काफ़ी सारे लोग कहते हैं हम लोग को जो भी चीज़ें चाहिए ना वो ग्रीजी ना करें, स्टिकीनेस ना करें, तो ऐसा कुछ भी नहीं करती है ये, ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। इस चीज़ में मुझे बहुत अच्छी लग रही है ये। और हाँ,
मेकअप में भी इसको यूज कर सकते हो, अंडर मेकअप इसको यूज कर सकते हैं बिल्कुल। अगर आप लोग मेकअप कर रहे हो, मेकअप से पहले सीटीएम होता है, तो आप लोग उसमें जो मॉइस्चराइजर है उसमें इसको अप्लाई कर लो, देन आप सनस्क्रीन यूज कर लो अगर डे टाइम में आप मेकअप कर रहे हो तो, और अगर आप नाइट के लिए कर रहे हो, नाइट पार्टीज के लिए, तो इसको ही मॉइस्चराइजर को यूज करें, फिर सनस्क्रीन को यूज करने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, सन तो है ही नहीं तो सनस्क्रीन का क्या नीड है रात को, तो रात को सनस्क्रीन को मत अप्लाई करना। ठीक है, तो वो साथ, हाँ एक चीज और, ये प्लास्टिक पॉजिटिव कंपनी है, क्लेम करती है वी रिसाइकल मोर प्लास्टिक देन वी यूज, जितना प्लास्टिक यूज करते हैं उससे ज्यादा ये लोग रिसाइकल करते हैं। और एक नई चीज मुझे बहुत अच्छी लग रही है ममअर्थ की, कि जब भी आप ममअर्थ की अपनी साइड से कुछ भी ऑर्डर करते हो, कोई भी प्रोडक्ट, तो ये एक ट्री को आपके प्रोडक्ट के साथ लिंक कर देते हैं। ये बहुत अच्छा हो रहा है ना, हम लोग साथ में ही प्रोडक्ट तो बाय कर रहे हैं, साथ में ही एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी हो रहे हैं। टाइम तो हम लोग को ऐसे मिलता नहीं है ना, फुर्सत तो है ही नहीं, तो कोई बात नहीं, ऐसे नहीं तो ऐसे ही ट्री हम लोग लगा रहे हैं अपने, हमारे नाम का एक ट्री लग रहा है। और आपको मैंने जब बाय किया था तो मुझे 1 वीक में मेल आया था, और मेल में उन लोगों ने बताया था कि वो पिक भी सेंड करते हैं, स्पीशीज भी बताते हैं कि, और लोकेशन भी देते हैं कि कहाँ पर उन्होंने ट्री प्लांटेशन किया है आपके नाम से, कौन सा, और उसको लिंक भी कर दिया। ठीक है, तो एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगी ममअर्थ की फिलहाल में, कि ये काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। बाकी मैंने आप लोग को सब कुछ बता दिया, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है, सब यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और आप लोग को कैसी लग रही है, अगर आप लोगों ने यूज़ किया तो प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर अपने एक्सपीरियंस शेयर करें, नीचे बता दें, और आप लोग मेरे को इंस्टा हैंडल पर भी जाके फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर बता सकते हो। कोई और अगर प्रोडक्ट रिव्यू चाहिए आप लोगों को मुझे बताइए। बाकी बहुत सारे लोगों को अगर डाउट हो, लगता हो कि मैं ममअर्थ के प्रोडक्ट्स बहुत सारे वीडियोस लेकर आती हूँ, तो यार मैंने ममअर्थ के बहुत सारे प्रोडक्ट्स बाय किए हुए हैं, उनको मैं वन बाय वन करके यूज़ करती हूँ और आप लोगों के लिए उसका रिव्यू लेकर आती हूँ। बाकी कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, सब मैंने अपनी साइट से बाय किया और तो मैं आप लोगों को दे रही हूँ। बाकी आप लोगों को जो भी प्रोडक्ट का रिव्यू चाहिए हो तो मुझे बता देना, मैं आप लोगों को उस प्रोडक्ट का रिव्यू दूंगी, बट 10 से 12 दिन लग सकते हैं, बिकॉज मैं पहले चीज़ों को यूज़ करती हूँ, देन मैं आप लोगों को कोई भी चीज़ें सजेस्ट करूँगी कि आप लोग, है ना, चीज़ें डायरेक्टली लेके उसको न्यू मैं आपके सामने ओपन करूँ और तब बताऊँ, ये मुझे नहीं समझ में आएगा क्योंकि मैं बता भी नहीं पाऊँगी, न्यू में मेरे को भी नहीं पता वो कैसा है कैसा नहीं है। ठीक है, तो आप लोग मुझे बता सकते हो, और अगर कोई भी क्वेरी हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो कर देना लाइक, अच्छा लगा हो तो शेयर कर देना अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सअप फेसबुक पे, जिनके लिए ये यूजफुल लग रहा है आप लोगों को, जिनका स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहता है, नहीं होता ठीक, तो ये वाला मॉइस्चराइजर बता सकते हो। ये भी नहीं अच्छा लगे ना, जिसको मैं एक चीज़ और बोल रही हूँ, जिसको इसको यूज़ करके भी लगता है नहीं हुआ, तो मैं कहती हूँ आंख बंद करके एक प्रोडक्ट ले लो जो मैं कह रही हूँ, निविया का लाइट मॉइस्चराइजर, व्हाइट वाला जो आता है ना निविया का मॉइस्चराइजर, नीचे लिंक दे दूंगी, जिनको समझ कुछ भी नहीं आता ना ड्राई स्किन के लिए, तो उसको यूज करो, सबसे बेस्ट, सीरियसली। बाकी अब बहुत सारे लोग काफी ज्यादा क्वांटिटी में यूज करेंगे तो यार ग्रीजीनेस भी कर देगा। ठीक है, तो एक क्वांटिटी लिमिट होती है चीज को यूज करने की, अगर आप उस तरीके से उसे यूज करोगे तो दिक्कत कुछ भी नहीं करता। हाँ, लास्ट में मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि ये ट्यूब था, सॉरी मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं, वही दिखा दिया, टाइट भी है बहुत ज्यादा अच्छा वाला। ठीक है, तो ट्रेवल फ्रेंडली बहुत आराम से लगा सकते, लेके कहीं भी जा सकते हो। और मैं आप लोगों को ना इसको यूज करके दिखा रही हूँ। ठीक है, ये व्हाइट कलर का ऐसे मॉइस्चराइजर है और बहुत अच्छा है, बिल्कुल भी ग्रीजीनेस नहीं करता, बहुत जल्दी से स्किन में ऑब्जॉर्ब हो जाता है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये, सीरियसली ये देखो है ना, बहुत अच्छा है, बिल्कुल ग्रीजीनेस नहीं, आपको ऐसा लगे कि ग्रीजी कर दिया होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर है। ठीक है, सॉरी मैं भूल गई थी आप लोगों को दिखाना इस चीज़ के बेनिफिट्स बताते हुए, तो एंड में मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। बाकी आप लोग बताना जरूर कि आपने अगर इसको यूज़ किया हुआ है तो आपके कैसे एक्सपीरियंस रहे हैं, वो जरूर मेरे साथ शेयर करना। मैं मिलती हूँ आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।